नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज़ में मेहरोज आपके साथ। आपको बताते चले कि बेखौफ दबंग नहीं माना स्टे ऑर्डर और रातों रात मनमाने ढंग से करते रहे निर्माण। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बाराबंकी के थाना असंद्रा का है, जहां पर अनिल कुमार निवासी नई सड़क चौराहा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कि मेरे चाचा ने मेरी ज़मीन को जबरन हड़पना चाहा। कुछ दिन पहले हमने अपनी ज़मीन को चाचा के हाथ गिरवी रखा था, जिसका पैसा चुकाने के बावजूद भी मेरे चाचा ने मेरी ज़मीन मुझे देने से मना कर दिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जबकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है, इतना ही नहीं वाद विवाद होने के बावजूद भी अनिल कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे विपक्षी चाचा बड़े ही दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, क्योंकि मेरे पास स्टे का ऑर्डर भी है, उसको भी मानने से इनकार कर रहे हैं। अनिल कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मेरे विपक्षी राजा सुंदर, सुरेश और नरेश आखिर शासन प्रशासन के बाद नामांकन किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, अब इस बात को समझना बड़ी ही मुश्किल है। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट में और समझते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या समस्या है? हमारी समस्या पीछे जमीन की है। क्या जमीन की क्या समस्या है? समस्या जमीन की ये है कि पीछे जबरन जमीन अपनी पक्का बैनामा कर रहे हैं दुकान जिस पीछे, और उसके बाद स्टे भी हमारा है, क्या चोरी छिपे काम लगाते हैं। वो कौन है जो काम लगा रहे हैं? क्या नाम है? राजा सुंदर, सुरेश, नरेन, चार लोग हैं। तो आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं किया? शिकायत थाने में की है, शिकायत हमारा स्टे भी चल रहा है, इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी मानते हैं, कहते तुम रोक रोक लो, तुम्हें दम रोक लो, हम बनवाए दिखा दे। तो थाने से पुलिस नहीं आई थी? थाने पुलिस आती है और जब काम लगाते तो दोनों लोग का डांट के फटकार के बुलाती है, समझा देती है। पुलिस आपकी मदद करती पुलिस है? मदद ये करती है, स्टे रिश्ते कहते काम कुछ कर नहीं है स्टे का, ये अब न्यायालय से काम आपका केस फाइनल होगा तभी काम हो पाएगा, ऐसे काम लगाओ नहीं आप लोग। अच्छा, और क्या कहते हैं वो आपके विपक्षी? विपक्षी कहते हैं तो जितना तुमको ताकत लगाओ लगा लो, हम बनवा दिखा देंगे, आगे आगे तुम चलो, पीछे समा रहे हैं। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत हमारे न्यायालय में केस चल रहा है हैदराबाद में और उसके थाने में, और थाने ये कह रहे हैं कि जब तक दोनों लोग सुलह नहीं होगा तब तक काम होगा नहीं।